यशायाह अध्याय 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। तुम मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनको ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने आप अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के कारण अपने वीरों को जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है बुलाया है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या आकाश की छोर से आए हैं? हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय दहल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह ज्वालामय होंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे, और आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र न चमकेंगे, और सूर्य उदय होते होते छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा, और वे खदेड़े हुए हरिन व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले सो बेधा जाएगा, और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा, और उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे, और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा जो न तो चांदी या कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे, और वे तीरों से जवानों को मारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएंगे। और बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और उसकी शोभा पर कस्ती लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर ने उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और उसमें युग युग कोई वास न करेगा, और अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, और शुतुरमुर्ग वहां बसेंगे और छगल मानस वहां नाचेंगे, और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुखविलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। यशायाह अध्याय 14। यशायाह अध्याय 14। क्योंकि यहोवा याकूब पर दया करेगा और इसराइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे, और देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि
वहां अपने बंधुआए में ले जाने वालों को बंधुआ करेंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। और ऐसा होगा कि जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझने से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करने वाला कैसा नाश हो गया है, सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नाश हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटे और अन्याय से शासन करने वाले के उस लठ को तोड़ दिया है जिससे वे मनुष्यों को रोष से लगातार मारते रहते और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे, सनोबर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। वह तेरे लिए मुर्दों अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी नाई निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गधे की तह तक उतर जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ध्यान से ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे कि जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था, क्या यह वही पुरुष है? जाति जाति के राजा सब के सब अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाह की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया है। तू उन मारे हुओं की लोथों से घिरा है जो तलवार से बिगड़कर गड्ढे में पत्थरों के बीच में पड़े हैं, और तू लताड़ी हुई लोथ के समान है। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और जगत में बहुत से नगर बसाए। और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बाबुल का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटों पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं उसको साही की मांद और जल की झीले कर दूंगा और मैं उसे सत्यानाश से झाड़ू से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठाना है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी। मैं अश्शूर को अपने ही देश में तोड़ डालूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतार जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई हुई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। कौन उसको टाल सकता है? और उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? जिस वर्ष में आहाज राजा मर गया
उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई, हे सारे फिलिस्तीन, तू इसलिए आनंद न कर कि तेरे मारने वाले की लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्निसर्प होगा। तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक, तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे फिलिस्तीन तू सबका सब पिघल गया, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रह जाएगा। तब अन्य जातियों के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दिन लोग उसमें शरण लेंगे। नीतिवचन अध्याय 15। नीतिवचन अध्याय 15। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटुवचन से क्रोध धधक उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूढ़ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन की वृक्ष है, परंतु उलटफेर की बात में आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। ठट्टा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमान के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साकपत का भोजन, बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करता है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुरुष से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवानों को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु मनभावने वचन शुद्ध है। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुख से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है, और जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को
सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 22। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 22। यहूदा में अहज्या का राज्य। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके लहूरे पुत्र अहज्या को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। सो यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह राजा हुआ। जब अहज्याह राजा हुआ तब वह 42 वर्ष का था और यरूशलेम में एक ही वर्ष राज्य किया, और उसकी माता का नाम अतल्याह था जो उम्री की पोती थी। वह अहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी, और वह अहाब के घराने की नाई वह काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ, और वह उनकी सम्मति के अनुसार चलता था। और इस्राएल के राजा अहाब के पुत्र यहोराम के संग गिलात के रामोत में अराम के राजा हजायल से लड़ने को गया, और अरामियों ने यहोराम को घायल किया। सो राजा यहोराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह हजायल के साथ लड़ रहा था। और अहाब का पुत्र यहोराम जो इज़राइल में रोगी था, इस कारण से यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अहज्याह उसको देखने गया, और अहज्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ क्योंकि वह यहोराम के पास गया था। और जब वह वहां पहुंचा तब यहोराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकला, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह अहाब के घराने को नाश करे। और जब येहू अहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अहज्या के भतीजे जो अहज्या के टहलुए थे मिले, और उसने उनको घात किया। तब उसने अहज्या को ढूंढा, वह शोमरोन में छिपा था, सो लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब यह कहकर उसको मिट्टी दी कि यह यहोशापात का पोता है जो उसने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था, और अहज्या के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रहा। योवाश का राज्य। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया, परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी उसने अहज्या के पुत्र योवाश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्या की बहन थी, उसने योवाश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई, और वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही।